नागपुर में कोरोना का कहर जारी, जिले में मिले 7201 पॉजिटिव मरीज, जिसमें शहर के हैं 4641, ग्रामीण के 2553 और जिले के बाहर के 7 मरीज हैं शामिल। नागपुर में कुल 63 लोगों की हुई कोरोना से मौत, जिसमें शहर के 36, ग्रामीण के 20 और जिले के बाहर के 7 मरीज हैं शामिल। कुल 3240 कोरोना मरीज हुए हैं ठीक। अब तक कुल 5769 लोगों की गई है कोरोना से जान, शहर के 3604, ग्रामीण के 1252 और जिले के बाहर के 913 मरीज है शामिल। नागपुर में कुल 55474 कोरोना एक्टिव केसेस है शामिल। शहर में वैक्सीन की हो रही है बड़ी किल्लत, कई टीकाकरण केंद्रों पर मनपा ने लगाया बंद का बोर्ड। कोविड मरीज की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने की वीनस हॉस्पिटल में तोड़फोड़, हफ्ते भर में है सामने आई दूसरी घटना। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सरकारी सहित निजी अस्पतालों में हो रही है बेडों की कमी, दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं हालात, कोरोना संक्रमण को रोकने की प्रशासन की हर कोशिश हो रही है नाकाम। प्रशासन आदेश न दे तब तक व्यापारी न खोले अपनी दुकानें, नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया ने कहा। वीकेंड में लगे लॉकडाउन का कुछ प्रतिष्ठानों में हुआ है उल्लंघन, मनपा के एनडीएस दस्ते ने की 2 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई, वसूला 15,000 रुपए का जुर्माना। शहर के सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर का एक भी बेड नहीं है उपलब्ध, सिर्फ ऑक्सीजन के 45 बेड है उपलब्ध, आने वाले समय में बिगड़ सकते हैं हालात। बेड की उपलब्धता के लिए nscdl.org की वेबसाइट पर कर सकते हैं आप विजिट। शहर में बढ़ते मरीज और वीकेंड लॉकडाउन के कारण यात्रियों की संख्या कम होने से रविवार को एयरलाइंस की 7 उड़ाने की गई रद्द। शहर के सेंट्रल जेल में एक बार फिर से कोरोना ने दी दस्तक, 1 कर्मचारी सहित 8 कैदी हुए कोरोना पॉजिटिव। मनीष श्रीवास हत्याकांड का एक और आरोपी विशाल उर्फ इसाक मस्ते को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। आरोपी पस्ते पहले से ही एक हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा था, काफी समय पहले वो पैरोल से बाहर आया था, तब से वो फरार था। नागपुर शहर में रविवार को रिकॉर्ड तोड़ 26,060 टेस्ट किए गए, अगले 3 दिन सरकारी जांच केंद्रों पर नहीं होगा आरटीपीसीआर टेस्ट, इससे आम नागरिक हुए हैं परेशान। मनपा आयुक्त ने कहा लक्षण वाले रोगियों के लिए की जाएगी खास व्यवस्था, रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने पर आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए की जाएगी मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था। रविवार को बिना मास्क घूमने वाले 22 नागरिकों के खिलाफ की गई कार्रवाई, वसूला गया 11,000 रुपए का जुर्माना। दिन ब दिन घट रहा है कोरोना का रिकवरी रेट, अब 78% पर पहुंचा रिकवरी रेट। वाठोड़ा थाना अंतर्गत अनमोल नगर में स्थित एक गोदाम में क्राइम ब्रांच ने गोपनीय जानकारी के आधार पर मारा छापा, मध्य प्रदेश से लाई गई 45,55,000 की तंबाकू जब्त कर 3 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। शहर में हुई बारिश की वजह से तापमान में आई गिरावट, अधिकतम तापमान 36.5 जो कि औसतन से 4 डिग्री रहा कम और न्यूनतम तापमान 22.7 जो औसतन से 1.3 डिग्री रहा है कम। व्यापारियों की मजबूरी का फायदा चोर भी उठा रहे हैं, मोदी नंबर 3 के मोबाइल शॉप में रात को हुई चोरी, 25 से 30,000 रुपए और मोबाइल एक्सेसरीज की गई है चोरी।